पुलिस और एसओजी की टीम ने 6 लुटेरों को दबोचा है जिन्होंने 9 चोरी की वारदातों को कबूल किया है। बुलंदशहर में सिकंदराबाद, औरंगाबाद और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक ही रात में अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर और आसपास के जनपदों में 20 दिनों से 9 लूट की वारदातें कर चुका है गैंग। दादरी, अलीगढ़, बुलंदशहर में अलग अलग इलाकों में लोगों का लूट का शिकार बना चुके हैं लुटेरे। औरंगाबाद गैंग में सरगना समेत 2 लोगों को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद सिकंदराबाद में पकड़े गए 4 लुटेरे। बुलंदशहर SSP सुलोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर लूट की वारदातों का खुलासा किया। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। ये आज प्रातः मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधी जो कि एक लंबे चौड़े गैंग के सदस्य थे उनको आज गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले यहाँ एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट हुई थी थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए गए थे और उससे ही आसपास एक फौजी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको रोककर उसकी कुंडल की लूट की गई थी। इस संबंध में यहाँ मुकदमे पंजीकृत थे और सिकंदराबाद की, औरंगाबाद की और SOG की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हैं और 4 अन्य लोग हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त जो ये मोटरसाइकिल करते थे वो बरामद हुआ है, जो लूटी गई संपत्ति थी, जो ज्वेलरी थी वो बरामद हुई है, कैश जो लूटा गया था वो बरामद हुआ, कुछ अवैध असलहे बरामद हुए। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये 8 लोगों का गैंग है जो कि बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर इसमें घटनाएं कर रहा था। इन घटनाओं से संबंधित सभी माल इनसे रिकवर किया गया है। पूछताछ के आधार पर इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और साथ ही साथ इन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ जनपद के 3 केसेस थे और अलीगढ़ के 1 केस और दिल्ली में कांग्रेस